सत्यनाम करता पुरख निर्वाण निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैवं गुरु प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक गोसी भी सच तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नाउ न जाने मेरा ऐसी दया करो महाराज नाम ना विसरे नाम ना विसरे ऐसी दया करो महाराज नाम ना विसरे नाम ना विसरे सारे जपो नाम न विसरे 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 सिद्धया करो महाराज नाम ना विसरे नाम ना विसरे नाम ना विसरे विण तुद होर जे मंगना 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 सिर दुखा के दुख सिर दुखा के दुख संतोखिया देह नाम संतोखिया नाम संतोखिया देह नाम संतोखिया उतरे मन की भूख उतरे मन की भूख विसरे ऐसी दया करो महाराज नाम ना विसरे नाम ना विसरे राज नाम ना विसरे नाम ना विसरे
नहीं दातार, विसर नहीं दातार, सब मिल के करो अरदास और कहो गुरु नानक साहब ऐसी दया करो महाराज नाम ना विसरे। दुनिया के काम बेशक विसर जावें, क्योंकि आपका वचन है भई परापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की एहो तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम।
मिल साध संगत भाजे केवल नाम। तो गुरुदेव कृपा करें हमारे सब पे, गुरु नानक साहब जी के खजाने में सबसे कीमती दात जो है ना वो नाम की दात है। और जितनी दातें हैं ना वो सब छोटी हैं नाम के आगे। सात संगत जपो श्री, फिर जपो श्री। कई बेरी हम दुनिया का सामान इकट्ठा करने के लिए अपनी सारी उम्र गवा देते हैं, पर जब अंत समय आता है हमें सिर्फ अफसोस ही रह जाता है। किस बात का कि जिस दुनिया के सामान को मैंने इकट्ठा किया अब मेरा अंत हो रहा है। जितना जोड़ा धन, जितने बनाए मकान, जितना बड़ा किया परिवार, अब कोई भी मेरे साथ नहीं जा रहा आगे। प्यार से बोलो श्री। जेह मात पिता सुत मीत ना भाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाय। हम रोज भक्ति करते हैं, सेवा सिमरन भी करते हैं, इष्ट आराधना भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, पर हम जब ये सब कुछ कर्म कांड करके प्रभु की शरण में आते हैं ना तो दुनिया की चीजें मांग लेते हैं। प्यार से बोलो श्री। हम पाठ भी कर रहे होते हैं ना तो पीछे मनोकामना यही होती है कि पुत्र प्राप्ति हो जाए, किसी को है पुत्र की नौकरी लग जाए, किसी को चिंता है बच्चों की शादी हो जाए। प्यार से बोलो श्री। नाम जपने के पीछे भी कामना है। गुरुदेव कहते हैं फिर आस रखनी है तो छोटी क्यों रखें, फिर बड़ी आस रखें ना। ये राजे के पास जाएं, राजा खुश हो जाए सेवा पे, तो राजा को क्या बोलें, महाराज जी एक घास का गड्ढा दे दो। प्यार से बोलो श्री। राजा के पास गए हो, राजा खुश हुआ है तो क्या मांगोगे, कपड़े दे दियो? नहीं, बाबा जी बोलते थे जे राजा खुश हुआ है सेवा सिमरन पे तो उससे क्या मांगे, हीरा मांग लें। हीरे में खांड की बोरियां भी हैं, घी के पीपे भी हैं, बजाजी के थान भी हैं, हीरा ही क्यों ना मांग लें। तो जे रब खुश होया है, गुरु खुश होया है तो दुनिया की चीजें क्यों मांगता है। बोल सतगुरु जी जे खुश होयो अपने नाम की दात बख्श दिया। प्यार से बोलो श्री। अब कोई कहे जी मैं था धन मांगने आया था, आप बोलते हो नाम की दात। बाबा जी बोलते थे तोड़ तक का टिकट ले लो ना, गाड़ी में बैठने तक तोड़ तक का टिकट, जहाँ तक गाड़ी ने जाना है, बीच के स्टेशन अपने आप आ जाएंगे। अब अहमदाबाद से दिल्ली किसी ने जाना है, अहमदाबाद से अमृतसर जाना है किसी ने, अहमदाबाद से अमृतसर की टिकट बना के गाड़ी में बैठ जाए, बीच के स्टेशनों की टिकट नहीं लेनी पड़ती। प्यार से बोलो श्री। वो बीच ही आ गए। इसे तरह तोड़ तक का टिकट, आखिरी स्टेशन तक का टिकट। वो कौन सा आखिरी स्टेशन? नाम। गुरु जी नाम दी दात बख्शो। पर हमारी वृत्ति है हम दुनियावी पदार्थ मांगते हैं। एक राजा शिकार खेलने गया, गर्मियों की रुत थी, उसके जो जितने वजीर मंत्री एहलकार थे वो पीछे छूट गए, राजा घोड़ा भगाते आगे गए। आगे गया, बड़ी प्यास लगी, कहीं पानी का प्रबंध नहीं,
एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा था। राजे ने कहा, भाई तुम्हारे पास पानी है? मुझे प्यास लगी। हाँ, मेरे पास पानी है, मैं घर से चला था मशक में, कोनी में पानी लेके आया हूं, ठंडा पानी। राजा ने कहा पिला। राजा को पानी पिलाया, राजा के प्राण बचे, जल जीवन है। प्यार से बोलो श्री। पानी, तभी तो गुरुदेव ने गुरु ग्रंथ साहब में बोला, पवन गुरु पानी पिता। पवन जो है ना, हवा जो है, ये गुरु है, पानी है, पिता है। अब महाराज संत सुजान सिंह जी एक वचन करते थे, 10 ग्राम का लोहे का सिक्का पानी में फेंक दीजिए ना तो वो डूब जाता है, पर इतने इतने बड़े समुद्री जहाज पानी पे चलते हैं लकड़ी के, वो नहीं डूबते। प्यार से बोलो श्री। एक एक जहाज का पता है कितना वजन होता है, और फिर उसके ऊपर कितने क्विंटल उन्होंने टनों के हिसाब से सामान लदा होता है, पर वो पानी में नहीं डूबता। 1 रुपए का सिक्का या उससे भी छोटा डाल दे, वो पानी में डूबता है, भला क्यों? प्यार से बोलो श्री। तो महापुरुष बोलते थे, पाले की लज्जा, पाले की लज्जा। लकड़ी क्यों नहीं डूबती पानी में? क्योंकि पानी ने उसको पाला है। जब बीज डालते हो पौधे में बनाने के लिए, पेड़ बनाने के लिए, तो उसकी जड़ों में हम रोज पानी देते हैं। पानी पालता है उस वृक्ष जब बनता है। वो लकड़ी कट के जब नौका बनती है, हजारों यात्रियों को रोज पार करती है। प्यार से बोलो श्री। लकड़ क्यों नहीं डूबती? क्योंकि पानी ने उसको पाल के बड़ा किया। इसी तरह सिख जो नाम जपने वाला है, गुरु वाला है, जिसका सतगुरु है, और सतगुरु का नाम लेके वो सिमरन कर रहा है, तो कभी भी सतगुरु अपने सिख को संसार रूपी भव सागर में डूबने नहीं देते, बचा लेते हैं। प्यार से बोलो श्री। तो वो लकड़ी काट रहा था, राजे को प्यास लगी, लकड़हारे ने जल पिलाया, राजे के प्राण बचे, जल जीवन है। राजे ने अपनी बहुत कीमती अंगूठी उतारी, लकड़हारे को दी। तब तक वजीर, एहलकार, नौकर आ गए। राजे ने कहा, तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, ये मेरी अंगूठी रखो निशानी के तौर पे, कभी कुछ चाहिए हो ना मेरे महलों में आना, मेरे राज दरबार में आना, मुंह मांगा ही नाम दूंगा। प्यार से बोलो श्री। कुछ मांगना है तो मांगो। लकड़हारा बोला, महाराज ये खुश हुए हो ना तो अपने यहां के वन अधिकारी को बोल दो, मुझे थोड़ी सी लकड़ियां रोज काटने दिया करे। अरे राजा ने कहा, मांगा भी तो क्या, थोड़ी लकड़ियां ही काटने दे। चलो, जो मेरा शहर के अंदर बड़ा बगीचा है ना, चंदन के जहां बूटे लगे हैं, चंदन के, सबसे कीमती लकड़ी होती है चंदन की। जब कोई बड़ा महापुरुष, संत, या कोई अभी जो वहां के नेता गुजरते हैं, उनको चंदन की लकड़ियों से संस्कार किया जाता है। प्यार से बोलो श्री। बड़ी कीमती लकड़ी, तो चंदन की लकड़ियों का मेरा बाग है शहर के अंदर। तुम लकड़ियां काटने की क्या बोलते हो, जाओ सारा बाग ही तुम्हारे नाम लिख दिया। जेवड़ आप, तेवड़ तेरी दाद। तुम थोड़ी बहुत लकड़ियां काटने के लिए बोलते थे ना, जाओ सारा बाग तुम्हारे नाम लिखा। वो बेचारे को बाग का पटा लिख दिया राजे ने, सारे बाग का मालिक बना दिया। अब लकड़हारे को अकल कहां बेचारे का, वो रोज चंदन की लकड़ियों को काटे, जलाए और कोयले करके बाजार में बेच दे, रोज 2-4 रुपए मिल जाए। सारा ही उन्हें बाग चंदन का काट के, लकड़ियां काट के, जला के, कोयले करके बेच दिया। थोड़ी सी 10-15 किलो रह गई लकड़ी। उन्हें क्या, चलो इसको क्या जलाना, कोयले करना, बाजार में ऐसे ही बेच दूं।
लाया, आगे व्यापारी खड़ा था, उन्हें क्या भाई ये चंदन की लकड़ी लगती है, खुशबू दूर से आ रही है। बोला हाँ। बोला मुझे दोगे ये लकड़ी थोड़ी सी? बोला क्या दोगे इसका? उन्हें कहा चलो एक रुपया दो रुपया दे देगा, सस्ता जमाना था। उसने कहा 500 रुपया दूंगा इस लकड़ी का। वो सुन के हैरान हो गया, भाई मैं रोज लकड़ियां काट के कोयले करके बेचता रहा, 98 रुपया मिलता था, ये 500 रुपये छोटी सी लकड़ी का दे रहे। उन्हें क्या मखौल करते हो मेरे साथ भाई? उन्हें सोचा शायद कीमत कम बता रहा है ये। उन्हें क्या 500 के 1000 देता हूँ भाई, अब तो दे दो। अब वो चक्कर में पड़ गया, बोला सच बोलते हो? उन्हें कहा ये लो 1000 रुपया। 1000 की थैली दी, वो थोड़ी सी लकड़ी ले ली, वो जिसका बाग था ना लकड़हारे का, जो लकड़ी बेचने आए, वो 1000 रुपये की थैली लेना भूल गया, रोने लगा जोर जोर से। वो कहता है रो क्यों रहा है, रो क्यों रहा है? उसने कहा तू थोड़ी सी लकड़ी की कीमत 1000 रुपया, ये तो मुझे आज पता लगी, मेरा तो पूरा बाग था, मैंने जला के कोयले करके कोड़ियों के भाव बेच दिया, कोड़ियों के भाव बेच दिया। अब ये है दृष्टांत, इसमें परमार्थ क्या है? गुरुदेव कहते हैं ये शरीर भी तेरा एक सुंदर भाग है, चंदन का भाग है, जिसमें श्वासों रूपी पूंजी, अमोलक पूंजी परमात्मा ने डाली, और तूने 24,000 रोज श्वास कौड़ियों के भाव बेच दिए, एक श्वास से भी नहीं जपा सतनाम श्री, सारे ही कोयले करके बेच दिए कौड़ियों के भाव, श्वास कभी ख्याल किया? ये तो किसी को पूर्ण संत से पूछो ना, बाबा नंद सिंह जी जैसे को, वो बताएंगे एक एक श्वास का, एक एक घड़ी की कितनी कीमत है। हम तो ऐसे ही करके सारा दिन, कभी अखबार पढ़ के, कभी दुकान पे बैठ के, कभी गप्पे मार के, कभी सैर सपटे करके, कहीं कहीं जाके हम घंटों बैठे रहें गपशप में समा गुजार देते हैं, पर बोलो कहीं सत्संग में आके 10 मिनट नाम जप लेना, बोलता है भगवान बुलाएंगे तो आएंगे। प्यार से बोलो श्री, वो तो रोज बुलाता है, तुझे ही अपने पिता के पास बैठने का टाइम नहीं है। प्यार से बोलो श्री, किसी के घर में उसके बुढ़े माँ बाप हो ना, बेटे को फुर्सत नहीं होती कि बाप के कमरे में जाके बैठे थोड़ी देर, माँ के चरण दबाए, क्यों? माँ बाप ने वसीयत में पहले ही सब कुछ इसके नाम लिख दिया, अब क्या जरूरत है उनकी? प्यार से बोलो श्री, अब बहू क्या सेवा करे? ये बाप ना लिखता ना तो फिर रोज आके बाप के चरण दबाता, कहीं दूसरे बेटे के नाम वसीयत ना कर दे। प्यार से बोलो श्री, तो हमने भी गुरुदेव से सोचते हैं हमें मिल गया, मकान मिल गया, घरवाली मिल गई, बच्चे हो गए, बैंक बैलेंस बन गया, दुकान बढ़िया चल रही है, अब गुरुजी के पास कौन जाए रोज रोज? वो भी कोई खाली छोड़ी बैठे हैं। प्यार से बोलो श्री, तो साथ संगीत शुक्राना करा करो, शुक्राना करा करो, हर श्वास में गुरुदेव का शुक्राना करो। धन गुरु नानक पातशाह कहते हैं हम आदमी हां एक दमी मौलत मौत ना जाना, जो श्वास लिया है पता नहीं अगला श्वास परमात्मा लेने देता है कि नहीं देता। प्यार से बोलो श्री, अहंकार ना कर, अरदास कर, सदा निम्रता में रह, सुबह हो तब भी कहा कर हे गुरु नानक तेरा शुक्राना है, रात सुख से गुजरी है। प्यार से बोलो श्री, रात सुख से गुजरी है, वो भी हैं जो रात अस्पतालों में पड़े हुए हैं, एक घंटा तो जाके देखो रात को अस्पताल में, राजी बंदा निरोगी बंदा एक घंटा रात को अस्पताल में नहीं खड़ा हो सकता, वो भी हैं जो रातें अस्पतालों में गुजार रहे हैं। तभी धन बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे जो रातें गुरु नानक की याद में अपने गुरु की याद में गुजारेंगे जाग के, उनको कभी भी अस्पतालों में रातें नहीं गुजारनी पड़ेंगे।
जिनको गुरु नानक ने मोटरें दी है ना, ये संतों का वचन है। जे उनकी मोटरें, उनके परिवार, उनकी गाड़ियां सत्संग में आती रहेंगी, उनकी मोटरें कभी भी डॉक्टर के दरवाजे पे नहीं जाएंगी। यार से बोलो श्री, ये रोग चिमड़ते ही तब हैं जब हमें नाम विसर जाता है। तो आओ आज अरदास करें, पहले गरीब निवाज कृपा करो। इतना कुछ आपने दिया है जिसका कोई अंत नहीं। हम तो वही है ना, साइकिल के लायक नहीं थे, आपने मोटरें बख्श दी हैं। प्यार से बोलो श्री, झुग्गी के लायक नहीं, सुंदर मकान महल बख्श दिए हैं। प्यार से बोलो श्री, वही है ना, घर में पंखा लगाने के पैसे नहीं थे, एयर कंडीशन लगे हुए हैं। एक बारी तो कह दियो, हे मेरे सतगुरु, शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, शुक्राना शुक्राना। हर सुबह तेरा शुक्राना, हर शाम तेरा शुक्राना, हर शाम तेरा शुक्राना। मेरे सतगुरु, हर शाम तेरा शुक्राना, हर रात तेरा शुक्राना, सतगुरु तेरा शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, 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 वाहेगुरु।
वाहेगुरु 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 सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु शुकराना तेरा शुकराना वाहेगुरु शुकराना तेरा शुकराना शुकराना तेरा शुकराना वाहेगुरु जी सतगुरु तेरा शुकराना आज भी तेरा शुकराना शुकराना सतगुरु तेरा शुकराना शुकराना तेरा शुकराना धन गुरु नानक धन गुरु नानक संगीत जपो श्री। कई बारी हमारी मनमर्जी का काम ना हो ना तो हम गुरु से भी नाराज हो जाते हैं। प्यार से बोलो श्री के गुरु ने हमारा काम ही बिगाड़ दिया। अब ये तो गुरु जी को पता है ना कौन सा काम बिगाड़ने में तेरा आगे कौन सा काम सवरने वाला है। प्यार से बोलो श्री। धन गुरु नानक साहब जी एक नगरी में आए कहा मर्दानिया वो सामने जो छोटी सी झोपड़ी नजर आ रही है ना जा उधर एक हमारा प्यारा रहता है सिख उसको बोल जाके गुरु नानक जी आए हैं। प्यार से बोलो श्री। मर्दाने जब जाके उसको खबर की वो बड़ा खुश हो गया सारे परिवार को लेके आया बाबा तेरी दी हुई झोपड़ी है तू चरण पा
जे महल देता तो वहां भी तुझे ही ठहराता, पर आज तो झोपड़ी का मालिक हूं। गुरु नानक जी जाके उसकी झोपड़ी में रात को ठहरे, मर्दानियां कीर्तन कर। जिस घर में कीर्तन होता है ना, वो घर बैकुंठ बन जाता है। प्यार से बोलो श्री। जिन घरों में अमृत वेले उठ के वाणी का पाठ होता है, वो घर स्वर्ग बन जाता है। उस घर में रहने वाले देवते बन जाते हैं। प्यार से बोलो श्री। मर्दानियां कीर्तन कर। वो सारा ही परिवार बैठ गया, कीर्तन होने लगा। जिस किसी ने सुना, नगर वासियों ने, गुरु नानक जी आए हैं, सब दौड़ते आए दर्शन करने, जैसे आज आप आए हो, गुरु ग्रंथ साहब जी का दर्शन कर रहे हो। प्यार से बोलो धन गुरु नानक। फिर बोलो धन गुरु नानक। आपकी रचना पवित्र होएगी, मेरे कान पवित्र हो जाएंगे। कह दियो धन गुरु नानक। रात को कीर्तन हुआ, सारी रात अमृत वेले लंगर पका, सबने भोजन किया। गुरु नानक पातशाह की मेहर बड़ी। बाबा कहने लगा, चल मर्दानी आप चले अगले स्टेशन पे। प्यार से बोलो श्री। हम तो बदल हैं, बदलों ने कभी अहमदाबाद में बसना, कभी बड़ौदा, कभी दिल्ली। प्यार से बोलो श्री। पर जहां जाते हैं ना, बदल बरसते हैं, सूखी धरतियां भी हरी हो जाती हैं, सूखी धरतियां। चल मर्दानियां अगले पड़ाव पे चले। सत बचन मर्दानी अपनी रबाब कठी की, सामान इकट्ठा किया। बाबा थोड़ा आगे निकल गया। मर्दाना जब पहुंचा तो गुरु नानक जी ने कहा, जाओ उसकी जिस झोपड़ी में रात गुजारा ना, कीर्तन किया, उसकी झोपड़ी को गिरा के आ जाओ। अरे बाबा, जिसने रात ठहराया उसकी झोपड़ी गिरा दें? बोला, हुक्म मानो। चार बांसों पे तो बेचारे की झोपड़ी खड़ी थी, जाके चारों बांस खींच दिए, सारी बेचारे की झोपड़ी टूट गई। प्यार से बोलो श्री। मर्दाना कहने लगा, भाई गुस्सा मत मनाना, मेरे गुरुजी ने कहा झोपड़ी गिरा दे। उन्होंने कहा, अच्छा गुरुजी ने कहा? गुरु नानक जी ने। रहती सहती भी तिरपाल उसने फाड़ दी। प्यार से बोलो श्री। ये गुरु नानक की मर्जी, झोपड़ी गिराने में तो उसकी मर्जी। चल मर्दानियां चलिए आगे। अब उसने मजूर तो लगा नहीं सकता था, पैसे नहीं थे, परिवार के ही सारे दोबारा शुरू हो गए। ले आए कई फावड़े, मारने लगे जमीन पे। जब जमीन खोदने लगे तो क्या देखा, जहां गुरु नानक जी बैठ के गए थे, कीर्तन करके गए थे, वहां जब धरती पुट्टी तो देग मोरां दी पई, सोने के मोरां। ओए होए, कई बर्तन निकलाए। अब तो फर्स्ट क्लास बंगला बना दिया, बंगले एरिया में जैसे बने हैं। प्यार से बोलो श्री। गोविंद धाम बने हैं जैसे, बढ़िया बंगला बना दिया। धन गुरु नानक पातशाह कुछ वर्षों बाद फिर उधर आए। मर्दाने ने कहा, बाबा ये पिछली बार एक सिख ने ठहराया था घर, जिसकी झोपड़ी तूने तोड़ दी थी, अब वो दोबारा नहीं ठहराएगा हम। प्यार से बोलिए श्री। जो बेचारा रात ठहरावे, सेवा करे, जाने वक्त उसकी झोपड़ी तोड़ देवे, अगली बारी उसने हमको ठहराना है कोई? मर्दानिया जा उसका घर सामने। कौन सा बाबा? बोला, वो बड़ा बंगला जो बना। हैरान हो गया बाबा, उसकी तो झोपड़ी थी। बोला, अब झोपड़ी नहीं, अब बंगले वाला बन गया। प्यार से बोलो श्री। इस नगरी का सबसे बड़ा सेठ यही है। अब जब मर्दाना जी गए कहने, भाई गुरु नानक जी आए हैं बुलाने, गया वो साथ संगत। हमारे वर्गा होता तो शायद दरवाजा ही बंद कर देता, गुरु नानक कहीं मांगने ना आ जाए, फिर मकान गिराने। उसने सुना गुरु नानक जी आ गए, सारे परिवार को, नगर वासियों को लेके गुरु नानक का शुक्राना करन पहुंच गया। बाबा तूने भिखारी को राजा बनाया, तूने कंगले को पातशाह बनाया, चल मेरे मालिक तूने महल बख्शे झोपड़ी से चरण पा। धन गुरु नानक साहब आए, सोने आसन पे बिठाया, कीर्तन हो रहा है, सारी संगत जुड़ी है, ये गुरु का सिख संगत के जोड़ों में खड़ा है, सेवा कर रहा है। प्यार से बोलो श्री।
जोड़ों में खलोता है ते की कहंदा है गुरु नानक शुकराना तेरा शुकराना मन से शुक्राना कर दे पारे जिनकी नई मकान बने उनके भी बन जाएंगे जिनके ऊपर कर्जे हैं मिट जाएंगे जिनके बच्चियां दे कारज नहीं हो रहे उनके कारज हो जाएंगे प्यार से बोलो श्री क्योंकि पहले जो है ना शुक्राना करया कर हम पहले आके शिकायत करते हैं ये नहीं दिया मुझे प्यार से बोलो श्री मेरे भाई को दे दिया पड़ोसी को दे दिया पहले शुक्राना कर मालिक साइकिल लायक नहीं था स्कूटर दे दिया तूने स्कूटर का शुक्राना नहीं कर रहा मोटर मांगने आ गया प्यार से बोलो श्री तभी शुक्राना करो पहले जो मिल गया है शुक्राना नहीं मिलिया सबर करो लाइन में खड़े हो बारी आएगी प्यार से बोलो श्री हरमंदिर साहब जाते हो ना कितनी बड़ी लाइन लगी होती है पर कमाल की बात है पावे कितनी संगत खड़ी हो दर्शन सभी को होते हैं प्यार से बोलो श्री दर्शन सभी को और भावना वाले झोलियां भी भर के आते हैं क्योंकि गुरु नानक का दर है गुरु सो पावे सारे बोलो घर सदा शिफ्त सलाह तेरी नाम मन वसाए क्या नहीं घर तेरे क्या नहीं घर तेरे शब्द घनेरे सारे बोलो नानी
एक दास मुख ते जो बोले नानक दास मुख ते जो बोले सच होवे उसका शुक्राना करो आखो गुरु नानक तेरा शुक्र है हे मेरे सतगुरु तेरा शुक्राना है प्यार से बोलो श्री जो नहीं मिला उसका सबर करो लाइन में लगे रहो मिलेगा प्यार से बोलो श्री दाता है वो इतने उसके बड़े खजाने हैं आज तक उसके दरबार से भावना वाला कोई मंगता खाली नहीं किया धन बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे अपने सतगुरु के दरबार में जब भी आओ भावना की झोली लेके आओ जितनी झोली लेके आओगे बड़ी उतनी दाते गुरु से लेके जाओगे बीबी सुलखनी गुरु हरगोविंद साहब जी से एक पुत्र मांगने आई बाबा एक पुत्र गुरु जी ने पहले तो लौटा दिया तेरे भागा विच है ही नहीं दूजे दिन फिर आई भाई गुरदास ने सुमति दी गुरुदेव बार शहर पे निकले थे बोली सतगुरु एक पुत्र की दात माई तू कल वाली है ना तेरे भागा विच है ही नहीं कर्मों में है नहीं फिर क्यों आ गई लेने भाई गुरदास ने समझा दिया कह देना सतगुरु जे पहले भागों में नहीं लिखा तो अब लिख दीजिए प्यार से बोलो श्री तू ही लिखने वाला है तू ही मेटने वाला है तू ही बनाने वाला है तू ही बिगाड़ने वाला है प्यार से बोलो श्री तेरे से नहीं मांगे थे किसे मांगे बोली मेरे सतगुरु जी पहले नहीं लिखा ना तो अब लिख दीजिए सतगुरु हंस के कहने लगे कल तो तूने ये बात नहीं बोली भाई साहब भाई गुरदास की तरफ देख के सतगुरु बोले भाई साहब कहीं ये जुक्ति आपने तो नहीं बता दी महाराज जी तो फिर आपके दरबार से कोई खाली जाए ये आपको लाज होगी ना फिर प्यार से बोलो श्री तो मेरे सतगुरु हंस के कहने लगे लिया माई फिर कागज कलम लिया लिख देवा महाराज जी विश्वास नहीं करती बोल पे लिख के दे जाओ ला फिर कागज कलम लिख देवा अब कागज कहां कलम कहां कोई पढ़े लिखे लोग तो थे नहीं पहले गांव पिंडों में अभी भी बहुत पढ़ाई की कमी है प्यार से बोलो श्री उस वक्त की बात घड़े की ठीकरी पड़ी थी टूटी हुई घड़ा टूटा ठीक है लो महाराज जी इसी पे लिख दीजिए कागज तो है नहीं अब कहां से कॉपी लेके आऊं पेन कहां से लाऊं लिखें किससे बोला महाराज जी आपके भट्ठे में तीर पड़ा है ना तीर की नोक से लिख दीजिए एक ही लिख दीजिए चाहे सतगुरु जी हंस पड़े भावना वाली है एक लिखने लगे ना तो गुरु जी ने सात लिख दिए प्यार से बोलो श्री आजकल की माइयां तो नहीं कहती हैं एक ही बहुत है प्यार से बोलो श्री पहले वाली थी पहले तो वेड़ा भरिया होवे बच्चियां ना क्या बात है भाइयों के बच्चे चाचे ताऊ के बच्चे एक ही वेड़े में खेलते थे कितना प्यार होता था अब घर में दो भाई हैं दो कमरों में भी गुजारा नहीं होता प्यार से बोलो श्री पहले संतोख था सब्र था अब तृष्णा की आग लगी हुई है प्यार से बोलो श्री
महाराज जी ने कहा ये तो एक ही जगह सुलखनी है, सत लिखे गए। आज के कहने लगी महाराज जी लोड़ी सतना दी सी, जरूरत ही साथ की थी, काम धंधा बहुत है ना, तो सातों को काम पे लगा दूंगी। प्यार से बोलो श्री। तो शुक्राना करने फिर जब बच्चे हुए लेके आई, शुक्राना कर रही है। तो गुरुदेव वाणी में कहते हैं गुरु अमरदास जी, भावना वाला कभी भी गुरु नानक के दर से खाली नहीं जाएगा, अपने सतगुरु के दर से कभी खाली नहीं जाएगा। अपने सतगुरु के अंदर परमेश्वर जैसी निष्ठा रखोगे, भावना के ऊपर फल मिलते हैं। प्यार से बोलो श्री। क्या नहीं घर तेरे, क्या नहीं घर तेरे, साचे साहिबा तेरे। सारे मिलके बोलो, समाप्ति है। श्री हर कृष्ण ध्याये, जिस पिठे सब दुख जाए, एक बहादुर सिमरिए, सब थाई गए सहाय, श्री हर कृष्ण ते आई है।